जो है बिल्कुल तैयार हो गया। एक बार रंगत आप लोगों को दिख रहा है, आलू गोभी का सब्जी, टमाटर डाल, इधर चिकन भी बिल्कुल अच्छे से तैयार। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आप लोगों को हमारे पीछे का ये बैकग्राउंड देख के आपको समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ का पहले एक वीडियो हम लोगों ने आप लोगों को दिखा रखा। तो जी हाँ, हम लोगों ने यहाँ की पहले एक मटन की वीडियो आप लोगों को दिखा रखा है, और आज हम यहाँ पे और बहुत सारी डिशेज उस वीडियो में कवर करने को बच गया था वो कवर करने आए हुए हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे मिलता है मछली, क्योंकि बहुत ही सस्ते रेटों में मिलता है, 50 रुपए में आपको यहाँ पे मछली खाने को मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को फिश की पूरी मेकिंग भी दिखाऊंगा, चिकन की भी पूरी मेकिंग दिखाऊंगा। तो आइए, और वेज की भी बहुत सारी डिशेज है, चलिए सभी को एक्सप्लोर करते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने मटन दिखाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, वो जाके चेक कर ले। हमारे साथ आइए, देखिए इधर फिश को जो बिल्कुल अच्छे से फ्राई करके निकाला जा रहा है। मैंने आपको बोला ना, उस वीडियो में हम लोगों ने बस मटन दिखाया था, इसमें फिश दिखाने वाले हैं, चिकन भी दिखाने वाले हैं। ये देखिए बिल्कुल फिश को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया गया। तो देखिए इधर चिकन करी के लिए 1 बाय 1 करके प्याज काट रहे। कितना केजी प्याज काटिएगा? 3 केजी। कितना केजी चिकन बनेगा? 3 केजी। 3 केजी चिकन बनेगा, उसके लिए 3 केजी प्याज को बिल्कुल अच्छे से फाइनली चॉप किया जा रहा है। चिकन के लिए जो है प्याज जो काटा गया था उसे डाला जा रहा है कुकर में। थोड़ा प्याज चिकन में जो है, चिकन थोड़ा जल्दी पक जाता है, इस वजह से प्याज को थोड़ा एक सीटी लगा दिया जाएगा तो प्याज बिल्कुल गायब हो जाएगा चिकन में भी। नहीं तो अगर प्याज गलाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि चिकन ही गल। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, जो प्याज डाला गया था कुकर में अब चढ़ गया गैस। चलिए एक सीटी लगने देते हैं, फिर आप लोगों को दिखा। और इधर चिकन तैयार करने के लिए कढ़ाई जो है चढ़ चुका है, तो इधर कढ़ाई हो चुका है बिल्कुल अच्छे से गर्म। अब डाला जा रहा है सरसों तेल, चिकन करी भी यहाँ पे सरसों तेल में ही तैयार। 300 ग्राम सरसों तेल इसमें डाल दिया गया, तेल जो है बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया। तो ये गया जीरा, सूखी लाल मिर्च और पत्ता, तेज पत्ता, और जो कटा हुआ प्याज था अब डाला जा रहा है वो। तो देखिए बिल्कुल मसाला अब इसमें तैयार किया जाएगा। ये है लहसुन का पेस्ट है, और ये डाला जा रहा है लहसुन का पेस्ट, और अब प्याज को गलने के लिए नमक। अब ये डाला जा रहा है नमक, अब ये हल्दी है, और अब डाला जा रहा है हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च है, और ये लाल मिर्च पाउडर। वन बाय वन सारा मसाला डाल दिया, बस ऐसे ही इसे भूनते भूनते प्याज के साथ ही मसाला भी भुना जाएगा। 5 से 7 मिनट में मसाला भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। चिकन पकने में तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, इस वजह से मसाला को बिल्कुल अच्छे से भूनने के बाद इसमें चिकन डाला जाएगा। क्या प्याज देखिए बिल्कुल इसमें से गलने लगा। जीरा पाउडर डाल रहे हैं, अब इसमें डाल रहे हैं जीरा पाउडर, गोल मिर्च है, और गोल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च। तो देखिए बिल्कुल मसाला अच्छे से भुना गया, अब इसमें डाला जाएगा चिकन। क्या बिल्कुल अच्छे से भुना गया ना। इधर जो प्याज को सिटी लगाया गया था, एक सिटी, वो देखिए प्याज एक बार उठा के दिया, बिल्कुल अच्छे से घुल गया है। अब उसे ऐड किया जाएगा इसमें ग्रेवी के लिए, थोड़ा सा ग्रेवी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ये देखिए वो जो प्याज को बिल्कुल अच्छे से गलाया गया था, उसे रही से घाटा गया ना। रही से बिल्कुल अच्छे से घाटने के बाद अब ग्रेवी में यूज किया जाएगा। और इधर जो चिकन को धो के लाया गया था, अब 1 बाय 1 करके वो डाला जाएगा इसमें। तो 1 बाय 1 सारा 3 केजी पूरा चिकन इसमें आ जाएगा। ये देखिए, तो चलिए सब सारा चिकन आके बिल्कुल, अब और 10 से 15 मिनट लगने वाला है तैयार होने में। मसाला को बिल्कुल अच्छे से भून लिया गया, तो और 10 से 15 मिनट में चिकन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। चिकन पकने में अब जितना टाइम लगे, मसाला तो पक चुका है पूरा अच्छे से। बिल्कुल चिकन को 10 मिनट पकाया गया और चिकन तैयार हो गया ना। चिकन तैयार हो गया, इसमें थोड़ा सा ग्रेवी ऐड किया गया था। देखिए ग्रेवी थोड़ा सा ऐड करने के बाद बिल्कुल चिकन जो है रेडी हो चुका है। इस पर डाला जा रहा है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, अब डाला जा रहा है कसूरी मिर्च, खड़ा गर्म मसाला का पाउडर, पूरे तरीके से तैयार हो गया। ये सारा रेहू मछली है। अब इस पे देखिए इसे किया जा रहा है मैरिनेट, इस पे डाल दिया गया हल्दी पाउडर, अब डाला जा रहा है नमक। क्या प्राइस रहता है मछली का? 100 रुपया प्लेट खिलाते हैं, 3 पीस मछली चावल। मछली फ्राई किया जाएगा, मछली भी सरसों तेल में ही फ्राई करते क्या? ये देखिए मछली डाला जा रहा है इसमें सरसों तेल, तेल से जो धुआं उठना शुरू हो गया। तो अब जो इधर मैरिनेट किया हुआ फिश था, अब उसे डाला जाएगा। ये चेक करें, उड़ेगा तो नहीं ना? नहीं। ये देखिए सारा मछली का जो पहले मुंडी को तला जाएगा, ये चेक करें बिल्कुल अच्छे से, जब ये तेल में से धुआं उठने लगा तब फ्राई किया जा रहा है। एक बार उबाल देख रहे हैं तेल, इसे भी फिर से डाला जा रहा है 1 बाय 1 करके। देखिए सारा फिश बिल्कुल ऐसे ही 1 बाय 1 करके, टोटल जो है रहू फिश है कि नहीं भैया? इधर जो है बिल्कुल देखिए फिश को पूरे गोल्डन ब्राउन फ्राई किया गया, बिल्कुल हार्ड फ्राई है कि नहीं? हार्ड फ्राई करते हैं बिल्कुल, और इस ट्रे में निकाल। अब इसे जो है सारा फिश ऐसे ही 1 बाय 1 करके फ्राई किया जाएगा। आलू का जो का सब्जी है, टमाटर डाल है, और ये है आलू गोभी का सब्जी, टमाटर डाल, ये बैगन फ्राई है, बैगन फ्राई, दाल चावल के, और वेज वालों के लिए यहाँ पे सारा आइटम जो है वेज, आलू की भुजिया, इधर जो सैलेड काटा गया था वो है, और अब इसमें तैयार होगा फिश का मसाला। ग्रेवी के लिए जो मसाला तैयार कर रहा है, फोरन के लिए मेथी डाल रहे हैं, के बाद जाएगा सरसों,
और ये सरसों का पेस्ट, ये घर से तैयार करते हैं ना। मतलब सरसों तो मछली की जान होती है, मछली की ग्रेवी की। ये मछली की ग्रेवी इधर तैयार हो रही है, उधर मैं आप लोगों को फिश फ्राई होते दिखाया। पता है ना कि बिना सरसों की मछली मतलब बिहार में बनती ही नहीं है। लहसुन का पेस्ट है और ये लहसुन का पेस्ट थोड़ा भुजाएगा, उसके बाद सब मसाला सब जाएगा। अभी थोड़ा और ये भुनाएगा 5 से 10 मिनट। सरसों पूरा भुना गया है, अब डाला जा रहा है हल्दी पाउडर, अब डाला जा रहा है हल्दी पाउडर, अब डाला जा रहा है रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा का पाउडर, गोल मरीच है, ये इसमें थोड़ा सा पानी क्योंकि मसाला अंदर से पकड़ने लगेगा। नहीं तो देखिए बिल्कुल मसाला जो है गजब का दिख रहा है ना, मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भुना गया ना। अब इसमें डायरेक्ट पानी डाला जाएगा क्या? तो देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भुना गया है, मसाला में से जो है तेल छोड़ने लगता है तो मसाला बिल्कुल अच्छे से भुना जाता है। ये देखिए मसाला में से तेल बिल्कुल अच्छे से छोड़ने लगा, कढ़ाई में बिल्कुल पकड़ नहीं रहा है। तो अब इसमें ऐड किया जाएगा थोड़ा सा पानी, जैसा जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी है कि नहीं। अब इसमें ऐड कर दिया गया है पानी, मैं आप लोगों को बताया था ना कि जब मसाला बिल्कुल अच्छे से भुना जाएगा तब इसमें ऐड किया जाएगा छोटा टमाटर लवा। अब इसमें डाला जा रहा है नमक, मछली की जान टमाटर है, टमाटर तो पड़ना ही है मछली में है कि नहीं। मछली में छोटा छोटा स्लाइस में टमाटर काट के अब डाल दिए। इधर ग्रेवी हो गया तैयार बिल्कुल, इधर जो ग्रेवी डाला गया था खोलना शुरू हो गया, जब बिल्कुल अच्छे से खोलेगा तब डाला जाएगा उसमें मछली ना। इधर जो ग्रेवी तैयार किया गया था उसमें डाल दिया गया फिश फ्राई, है देखिए बिल्कुल ऊपर से डाला जा रहा है कश्मीरी लाल मिर्च और ऊपर से कसूरी मेथी, जो बिल्कुल तैयार हो गया। एक बार रंगत आप लोगों को दिख रहा है गजब की, पीसेस भी दिखाइएगा मछली की जो स्लाइसेस होती है, ये देखिए मछली की मुंडी थी वो, और ग्रेवी देखिए बिल्कुल सरसों वाली ग्रेवी है मछली की। ये चेक करें, एक मछली का पीसेस दिखाइएगा जो टुकड़ा होता है, ये देखिए एक पीसेस 50 रुपये का ना? नहीं, एक पीसेस और चावल एक प्लेट, एक पीस मछली और एक प्लेट चावल 50 रुपये। इधर चिकन भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया, ये देखिए एक पीसेस ऐसा क्या रहता है, एक पीसेस, एक पीस चिकन और एक प्लेट चावल 60 रुपये का। ये तो इसमें आ गया चिकन की एक पीसेस, ये प्लेट है टोटल 60 रुपये का ना, ये 60 रुपये। ये देखिए एक प्लेट चावल पापड़ ये सब 60 रुपये का एक प्लेट है, ये प्लेट जो है पूरा 50 रुपये का है ना, एक प्लेट चावल एक पीस मछली 50 रुपये। तो फाइनली गाइस अब जो अनिल होटल की स्पेशल इधर देख सकते हैं फिश करी आ गई है, और जस्ट राइट हैंड साइड पे आ गया चिकन करी। मैंने आप लोगों को यहाँ की फिश करी की भी मेकिंग दिखाई और चिकन करी की भी मेकिंग दिखाई, चलिए उसे जल्दी से करते हैं टेस्ट, बताते हैं कैसा है। तो आइए पहले हम लोग करेंगे चिकन को टेस्ट। ओहो चिकन की ग्रेवी एक बार आप लोग चेक करें, ये देखें। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो प्लेट पड़ी है ना, मुझे एक बार प्लेट अच्छे से दिखा दिया जाए। ये देखिए ये भुजिया, ये एक पीसेस चिकन की सैलेड, एक प्लेट चावल और पापड़, ये पूरा प्लेट मुझे पड़ा है 60 रुपये का। और जस्ट राइट हैंड साइड पे मैं दिखा दूँ एक पीस फिश की, ये देखिए रहू फिश है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ये भुजिया सैलेड पापड़ और चावल, ये पड़ा है मुझे 50 रुपये का। तो चलिए हम लोग जल्दी से पहले चिकन को टेस्ट करते हैं, फिर करेंगे हम लोग फिश को। चलिए हम लोग थोड़ी ग्रेवी डालेंगे राइस पे, इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। तो चलिए इसे जल्दी से करते हैं टेस्ट। चिकन की टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट बिल्कुल सिंपल है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है बहुत ज़्यादा लो है, टेस्ट खाने लायक है, ओके ओके है प्राइस के हिसाब से। तो अगर आप लोग भी चीप एंड बेस्ट में चिकन खाना चाहते हैं तो अनिल भाई के यहाँ आके, समस्तीपुर में अनिल भाई के यहाँ आके चिकन ट्राई कर सकते हैं। अब फोकस करते हैं फिश करी पे, मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद है नहीं, बट आप लोग के लिए मैं फिश करी भी खा के दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा टमाटर, पहले हम लोग फिश की पीसेज एक बार चेक कर लीजिए। ये प्लेट ना मुझे, ये पूरी प्लेट ना मुझे 50 रुपये की पड़ी है, इसे हम लोग पहले टेस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा कांटा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ये चेक करें। ओहो हो पीसेज भी डाल रखा है, ग्रेवी भी डाल रखा है। तो चलिए इसे जल्दी से करते हैं टेस्ट। तो चलिए किया जाए टेस्ट। चलिए सरसों का जो स्वाद है ना बिल्कुल हार्ड है, मछली बिल्कुल अच्छा पका हुआ है। अगर आप लोग फिश लवर हैं तो फिश भी ट्राई कर सकते हैं, चिकन लवर है तो चिकन भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ की हम लोगों ने मटन की भी पूरी वीडियो डाली हुई है, अगर वो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके चेक कर ले। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, दोनों चीज़ मुझे प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम आएगी वहाँ जाके भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।